नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में स्टडी विद विजय से। मैं दोस्तों आज नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में जिक्र करेंगे बचे हुए क्वेश्चन में। और इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दो संख्याओं का योग 29 दिया गया है और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 दिया गया है, तो इसका अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें ए प्लस बी बराबर 29 दिया गया है दोस्तों, और बोला है कि उन्हीं संख्याओं को संख्या ए बी या एक्स वाई कुछ मान सकते हैं हम लोग, और उन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 145 दिए गए दोस्तों। अब इसको हम सूत्र में तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देंगे, दूसरे में माइनस बी कर देंगे, 145 कर देंगे। ए प्लस बी बराबर 29 ऑलरेडी दिया है दोस्तों, ए माइनस बी बराबर 145। अब 29 मल्टीपल में है दोस्तों जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि 5 टाइम जाएगा। ए माइनस बी बराबर 5 हो गया दोस्तों, कि जो कि हमारा यही पूछ रहा था उन संख्याओं का अंतर, तो हमारा राइट आंसर बी अल्टरनेटिव होगा। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 दिया गया है, इसमें गुणनफल 144 दिया गया, तो उन संख्याओं का अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब ए प्लस बी बराबर 25 दिया गया दोस्तों, और गुणनफल का मतलब ए बी बराबर 144 दिया गया है। अब यहाँ पर संख्या ए बी या एक्स वाई इस तरह से मान सकते हैं दोस्तों, ए माइनस बी हमें चाहिए तो हमें एक फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी ऑलरेडी दिया गया है दोस्तों, यहाँ 25 कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ab दिया है 144, यहाँ 44 100 कर देंगे। अब 25 हमें दोस्तों होता है 625, और माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 576 हो जाएगा। जब इसको हम 200 लेस करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ए माइनस बी बराबर होल स्क्वायर बराबर 49 आ गया, तो ए माइनस बी बराबर ये रूट ले लेगा दोस्तों, कि जो होल स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो 749। इस तरह से ए माइनस बी बराबर हमारा 7 आएगा, जो कि राइट आंसर सी अल्टरनेटिव होगा। देखते तीसरे क्वेश्चन दोस्तों अगला। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ बेसिक सूत्र को हम लोग देखेंगे। जब दोस्तों देगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, n n+1/2। अब जब पूर्ण संख्या की बात करेंगे दोस्तों, जो कि 0, 1, 2 से शुरू होता है, तो n n-1/2 लगाएंगे। जब सम संख्या की बात करेंगे दोस्तों, तो n n+1 इस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब विषम की बात करेंगे दोस्तों, तो यानी स्क्वायर करेंगे। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, 1+2+3+... करके दिया है 40। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए बोला है दोस्तों। तो मैंने सूत्र बताया था, जब प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र होता है n n+1/2। यहाँ पर लास्ट के डिजिट को ही n माना जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कर देंगे 40, 40, और यहाँ 40 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 41। अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा दोस्तों। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 820 हो जाएगा, जो कि अल्टरनेटिव फर्स्ट में दिया गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कवर कर लिए। देखते हैं चौथे क्वेश्चन दोस्तों। चौथा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें करना क्या है कि 12 से लेकर के 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जब दोस्तों बीच से पूछेगा तो हमें 2 टाइम फार्मूले को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए अगर फार्मूला 1 टाइम लगाएंगे तो 125 संख्याओं का योग आएगा, क्योंकि हमें 1 से लेकर के 11 संख्याओं का योग को घटाना होगा। तो लास्ट के 25 को यान मान लेना है दोस्तों, और ये 11 को मान लेना है, क्योंकि 1 से 11 घटा देंगे तो हमें 12 से 25 का फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस सूत्र को n n+1 माइनस अपान 2 कर देंगे, माइनस लगा के फिर n n+1 अपान 2 कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर जो है पहले 25 तक लेंगे, 25 × 26 कर देंगे, अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे और 12 से लेस करके, चूँकि 1 से लेकर के हमें 11 लेस करना है दोस्तों, तो हम लास्ट के 11 ले लेंगे और 11 × 12 कर देंगे, चूँकि जुड़ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा दोस्तों। अब इसको 25 और 13 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमारा 325 हो जाएगा, 11 × 6 = 66। अब दोस्तों हम इसको लेस करेंगे तो हमारा 259 आ जाएगा, जो कि राइट अल्टरनेटिव ए होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन कवर हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा।
दोस्तों बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें सूत्र पूर्ण संख्या होता है दोस्तों एन एन माइनस वन अपान टू। यहाँ पर हम 15 लेंगे और 15 में क्लेस करेंगे 14 हो जाएगा दोस्तों, अपान टू कर देंगे 214 हो जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 सत्ते 105, जो कि अल्टरनेटिव सेम। इस तरह से पाँचवा क्वेश्चन कवर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। दोस्तों छठा क्वेश्चन भी एकदम ईजी है। इसमें दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या है। तो सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है दोस्तों एन एन प्लस वन। बस अब हमें करना क्या है, लास्ट की डिजिट को ही एन मानना है, 10 कर देंगे। और यहाँ 10 और एक जोड़ी तो 11 हो जाएगी दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, जो कि अल्टरनेटिव फर्स्ट होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का ब्रैकेट में 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग। तो इसमें दोस्तों देता क्या है कि जैसे इसे दो पैटर्न क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम 15 विषम संख्या या तो 1 से लेकर के 30 तक, क्योंकि 1 से 100 तक संख्या में 50 सम होता है, 50 विषम होता है। तो 1 से 30 की बात करेंगे तो 15 हमारा सम होगा और 15 विषम होगा। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों एन का होल स्क्वायर। तो 15 तक ही जाना है तो हम 15 का होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। 15 15 में 225 हो जाएगा दोस्तों, जो कि अल्टरनेटिव सी है। इस तरह से ये राइट आंसर होगा हमारा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिया है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 17 को हम 200 बार नहीं लिख सकते। तो इसका एक रूल हमें याद होना चाहिए कि अगर पावर सम दिया गया है तो हम एक और सॉरी 2 और 4 में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। विषम अगर घात दिया गया है तो 1 और 3 में कन्वर्ट कर देंगे। लाइन होना चाहिए अब और जिसे हम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 17 की पावर 2। तो 17 की पावर हमें इसे अब 17 की पावर 2 कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से। तो दोस्तों 17 की पावर 2 करने का मतलब ये होता है कि 17 से अगर हम जो है 17 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा 289 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें 18 से भाग दे देना है। 18 से भाग देंगे दोस्तों तो 18 से 1 टाइम जाएगा। उसके बाद हमें लेस करेंगे तो हमारा 10 होगा, जोड़ जाएंगे 9। फिर दोस्तों ले जाएंगे तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, जो कि शेष होगा 1 दोस्तों। इस तरह से हमारा ये राइट आंसर 1 होगा, शेष हमारा 1 आ जाएगा इस तरह से। तो ध्यान हमें देना है दोस्तों कि अगर घात सम है तो 2 और 4 के घात में कन्वर्ट कर देंगे और भाग दे देंगे। अगर विषम की बात करेंगे तो 1 और 3 हमें याद करना है बस सिंपली। इस तरह से हम क्वेश्चन कवर कर लेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों नौवा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि घात अगर विषम है तो 1 और 3 में पावर में कन्वर्ट करेंगे, सम है तो 2 और 4 में कन्वर्ट करेंगे। अगर दोस्तों 25 की पावर 1 लेंगे तो 26 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए इसमें 25 की पावर हमें 3 लेना होगा और भाग देना होगा 26 से। अगर दोस्तों हम 25 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 जो है 15 625 हो जाएगा। और इसको हम दोस्तों डिवाइड कर देंगे ले जाकर के 26 से, क्योंकि 26 से हमें डिवाइड करने हैं। तो 6 टाइम अगर जाए 6 टाइम ले जाएंगे तो हमारा 156 हो जाएगा दोस्तों। ये पूरी तरह से कट जाएगा, 25 शेष बचेगा दोस्तों, जो कि 26 से बार जान भाग जाएगा नहीं, इसी को हम शेष मान लेंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर डी अल्टरनेटिव हो जाएगा। और बता दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर विषम कंडीशन में है तो हमें 1 और 3 के घात में इसको कन्वर्ट करना है, और सम है तो 2 और 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह से वीडियो चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।